राष्ट्रनिर्माता बाबा साहब इस एनिमेशन फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है। आज ये बहुत बड़ा दिन है जम्बोरी मैदान पे, जहाँ पर हम महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का उत्सव यहाँ मनाते हैं। ऐसे में ये जो एनिमेशन फिल्म का लॉन्च हुआ है उसकी हमें बड़ी खुशी हुई है। इसके प्रोड्यूसर राजीव जी मेरे साथ है, मैं इस फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। राजीव जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है और सारे सर्वोसर्वा है। ये एनिमेशन फिल्म है जो इन्होंने जलंधर में बनाई है और अब इस फिल्म का 4 भाषाओं में रिलीज होने जा रहा है। राजीव जी बताएंगे इस फिल्म के पीछे का इनका मकसद क्या है, क्या कहना चाहेंगे और एनिमेशन ही फिल्म क्यों बनाई है? एनिमेशन इसलिए जब ना, जैसे मैंने स्टेज पे बात करने लगा था, समय थोड़ा था इसलिए इन शॉर्ट शॉर्ट किया मैंने। इसमें ऐसा था कि जैसे हम पंजाब में ऐसा चला रहे थे कि प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन है, वो बच्चों में बाबा साहब की किताबें बांटती है, उसके बाद हम एग्ज़ाम रखते हैं, कंपटीशन करते हैं, गिफ्ट देते हैं, कैश प्राइजेज देते हैं कि वो बाबा साहब के बारे में पढ़े, उनको पता चले। लेकिन बच्चे, आपको पता, आजकल मोबाइलों पर ज़्यादा है, इसलिए फिर हमने देखा कि जैसे बाकी लोग अपनी आइडियोलॉजी को मतलब करने के लिए कोई कार्टून सीरियल आ रहे हैं या फिल्म आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो फिर हमने कहा क्यों ना बाबा साहब की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए फिल्म बनाई जाए। फिर जैसे आपने पूछा कि एनिमेशन ही क्यों, जैसे हम कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकर नहीं थे, हमने जब उस लाइव का एक्शन का बजट मंगाया तो वो काफ़ी हमारी अप्रोच से बाहर था और उसके लिए हमें कभी पार्लियामेंट के सेट बनाने पड़ने थे, फॉरेन में जाना पड़ा था, क्योंकि बाबा साहब ने काफ़ी जगह काफ़ी कुछ किया है। फिर हम इस चीज़ पे आए कि किसी टाइम किसी एक्टर के ऊपर भी कंट्रोवर्सी होती है, फिर लास्ट में ये डिसाइड किया कि हम जिनके लिए बना रहे हैं वो तो बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए लाइव एक्शन से ज़्यादा उनको एनिमेशन पसंद आएगी और सभी को पसंद आएगी, इसलिए हमने इसको एनिमेशन चूज किया। सर, इस तरह की फिल्म की रिकवरी होना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी आपने रिस्क लिया। इसकी रिकवरी का एक अलग से पर्याय है, उसका एक पैटर्न है जो राजीव भाई ने ईजाद किया है। हम इस फिल्म को जब अगर 4 भाषाओं में रिलीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे का मकसद ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी घर घर बच्चों के पास जाए, इनका एक मिशन भी है। इसमें जब हमने शुरू किया था, जब हम बच्चों के एग्ज़ाम लेते थे, तो हमारा एक एम था, हमने बनाया हुआ था मिशन हर घर अम्बेडकर, बल्कि बाबा साहब की फिलासफी लोगों तक जाए। आज तक लोगों को सिर्फ यही पता है, लोग ज़्यादातर बात करते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ रिजर्वेशन दी, संविधान लिखा, बस ये दो चीज़ें लोगों को, ज़्यादातर क्या पूरे इंडिया को यही पता है। मैं कई बार ट्रैवल करता हूँ, मेरी अक्सर, मैं पिछले हम 3 साल से काम कर रहे हैं इस फिल्म पे, तो अक्सर मेरी आदत है, मैं पूछता हूँ, कई बार मेरे पास ट्रेन में एक बैंक वाला बैठा होता है, मैं उससे पूछता हूँ कि आपको पता RBI किसने बनाया, उसको नहीं पता। कई बार लेडीज से पूछता हूँ कि आपको पता कि आपको प्रेगनेंसी लीव का राइट किसने दिया, आपको इस तरह की प्रॉपर्टी का राइट किसने दिया, वोटिंग का राइट किसने दिया, बच्चा गोद लेने का कैसा राइट, मतलब पूरे देश को कुछ बाबा साहब के बारे में पता ही नहीं है। और ज़्यादातर हम जैसे हम देखते हैं कि ऐसे पढ़ाए जाते हैं, गांधी जी पे ऐसे आते हैं, नेहरू जी पे ऐसे आते हैं, और बाबा साहब के लेख बड़े कम आते हैं, मतलब उनके जीवन के बारे में ना ही कोई बताना चाहता है और ना ही कोई सुनना चाहता है, और वो हम सब सुनाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है कि बाबा साहब एक्चुअल में है क्या थे। कि जैसे सर ने बनाया कि पहले हमारा टाइटल कुछ और था, अब हमने राष्ट्र निर्माता बाबा साहब, क्योंकि जैसे जैसे ये फिल्म बनी और हमें समझ आया कि अगर इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है तो वो सिर्फ बाबा साहब ही कर सकते थे, उनके अलावा कोई इस काबिल नहीं था जो इस राष्ट्र का निर्माण कर लेता, इसलिए हमने फिल्म का नाम बदल के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब किया। और ये फिल्म पूरे इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखी जानी चाहिए, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक देखी जानी चाहिए, इसलिए हमने वो 4 लैंग्वेज सेलेक्ट की और इसको हम उस लेवल पर रिलीज कर रहे हैं कि शायद कोई फिल्म स्टार, जितना बड़ा आप जिसको भी बड़ा हीरो मानते हो अपने, जो आपके लिए अच्छा है, जो उस लेवल पे हम इसको रिलीजिंग का प्लान कर रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पे इसको रिलीज करेंगे। बाबा साहब जैसे अभी जनजाति से आते थे बहुत पहले, जैसे बाबा साहब एक थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ, इसमें पहली तो चीज़, बाबा साहब हरिजन से, हरिजन कोई जाति नहीं है, हरिजन एक गाली है जो लोगों को नहीं पता है, जो जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, हरिजन वो होते थे जो मंदिरों में दलितों की दासियां काम करती थी, उनके जो बच्चे पैदा होते थे उनको हरिजन बोल देते थे, हरिजन कोई वर्ड नहीं है, बाबा साहब इसका मतलब दलित हम कह सकते हैं, दलित जाति से आते। इस फिल्म में बाबा साहब की लाइफ, जैसे 2 घंटे बड़ा कम टाइम है, अगर भाई बाबा साहब की लाइफ को कवर करना हो तो मेरे हिसाब से 5 घंटे की फिल्म भी कम है, जो उन्होंने किया है इस देश के लिए और
सारे पिछले समाज के वर्ग के लोगों के लिए, पर इस दो घंटे में हमने जितना मैक्सिमम कवर हो सकता था उनके जीवन से लेके उनके मृत्यु तक, मेन मेन इवेंट, जिससे बच्चों को ये पता चले। मेन इसका मकसद फिल्म का ये है कि समाज को एक सेहत देना कि वो पूरे राष्ट्र के नेता थे, दलितों के नेता नहीं थे। उन अगर वो ना होते तो राष्ट्र ना बनता। हिंदू कोर्ट बिल क्या था, उनके गांधी जी के साथ क्या कंट्राडिक्शन से काफ़ी सारे, वो सिख क्यों नहीं बने, इस तरह के काफ़ी सवाल जो लोगों के मन में हमेशा रहते हैं, वो काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं इसमें। और कोई सवाल? थैंक यू सर, अब बहुत दिक्कत कर रही है। क्वेरी है, जैसे अगर कोई भी क्वेरी है फिल्म के बारे में कोई पूछना चाहता है तो मेरा नंबर है, कोई भी किस टाइम भी फोन करता है, 7508675381, 7508675381। किसी को भी कोई, मतलब किसी तरह की भी कोई रिलीजिंग की बात करें तो यह क्या थिएटर में रिलीज होगी, किस OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, इसका क्या प्लान? नहीं, पहले इसका थिएटिकल रिलीज होगा, बड़े पर्दे पे आएगी, पहले थिएटर में रिलीज होगी, फिर ओवरसीज सारी कंट्रीज में होगी, अफ्रीका तक इसकी प्लानिंग है रिलीज करने की, ओवरसीज में भी अच्छे लेवल पे रिलीज होगी। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। ठीक है जी।